गिने चुने प्रत्याशियों में से किसी एक को वोट दे दिया आपने, उनमें से कोई अच्छा होगा, जरूरी है? चुनाव में तो आते अक्सर वो लोग हैं, आप हम सबके बीच की सच बात है, सब जानते हैं, चुनाव में अक्सर वो लोग आते हैं ज़्यादातर जो कि पावर कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ताकत कमाना चाहते हैं, करप्शन करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। तो वो खुद बड़ा बनना चाहता है, अपना भला करना चाहता है, वो आपका क्या भला करेगा, है ना? जो आपका कभी सोच नहीं सकता, जिसके अंदर मानवता इंसानियत के भले की बात नहीं है, जो किसी जात धर्म के नाम से आपको लड़ाता है। तो देखो, नफरत सिखाने वाली चीज़ कभी सही नहीं हो सकती, किसी भी नाम से सिखाएं, आप यकीन मानिए, किसी भी नाम से सिखाएं सही नहीं हो सकती। वो नफरत पैदा कर रहा है आपके बीच में, अगर दूरियां पैदा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करेगा, आपके साथ गलत होगा, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको हम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं करके कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सब बढ़ेंगे तभी समाज बढ़ेगा, और तभी हम सेफ रहेंगे, हमारा घर सेफ रहेगा, हमारा परिवार सेफ रहेगा। सेफ्टी सबसे ऊपर है, कोई भी विकास तब तक किसी काम का नहीं है जब तक हम सेफ ना हो। आपको क्यों चाहिए कि कोई एक आदमी आए, वो आपके सारे हिस्सों का, सबके हिस्सों का, वो आप सबके हिस्सों का दुख अकेला झेल ले, सबके लिए अकेला वो जहर पी ले, है ना? कोई समुद्र मंथन में आए, जहर पी लिया, हो गया, आप सब बच गए, आपको कुछ मत हो, आप क्या करो बदले में? कुछ भी नहीं। हम वोट देंगे उसको, अच्छा बोल देंगे, या न्यूज़ वाले बुरा बोलेंगे तो हम भी उसको फिर बुरा बोल देंगे, हाँ ऐसा हुआ, वो उस पर शक कर लेंगे। न्यूज़ वाले जैसा दिखाते हैं हम अपना चेहरा वैसे बना लेते हैं, हम दूसरों की बातों पे चलते हैं, जैसी भीड़ चल रही है बस वो सही हो गया, सब तो बोल रहे हैं हाँ ऐसा होगा, हम भी वही मानने लगते हैं। वाकई में क्या है, सोचने समझने परखने की शक्ति हमारी खत्म हो चुकी है, हम सोचना इस पे जोर नहीं देना चाहते। हमारे दिमाग में आता ही नहीं कि नहीं यार ऐसा भी होगा तो वैसा भी होगा, तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा होगा, थोड़ा सा टाइम लगा के सोचे नहीं, लेकिन राय देने में जजमेंट, ऐसा होगा, देखो ये ऐसा है, देखो वो ऐसा है, ये बहुत अच्छा, ये बहुत बुरा है, आज अच्छा बन गया, कल बहुत बुरा बन गया, फिर अच्छा बन गया, वाह। आपने कभी दिमाग लगा के सोचा वाकई में क्या अच्छा है और क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है, क्या किया क्या नहीं किया, कैसा होना चाहिए था, क्या ये चीज़ सही है, ये लॉजिक सही है, हमारा फायदा हो रहा है ना? अरे यार, कोई कितना भी अच्छा हो, किसी एक का भी नुकसान कर रहा है वो अच्छा नहीं हो सकता, जानबूझकर गलत कर रहा है किसी के साथ वो अच्छा नहीं हो सकता। आज आप अपना फायदा देखने के लिए उसको अच्छा बोल रहे हो, उसका सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कल को वो आपका भी नुकसान करेगा, ये या फिर ऐसा ट्रेंड आपका नुकसान करेगा, ये चलन, ये जो चलन चलेगी, फिर आपका नुकसान होगा। कल को आपके साथ बुरा करने वाला लोगों के लिए बुरा नहीं होगा क्योंकि उनका फायदा होगा, आज आपके लिए बुरा नहीं है क्योंकि किसी और का नुकसान किया, आपका फायदा कर रहा है, लेकिन कल को आपका नुकसान करेगा तो वो दूसरों के लिए अच्छा होगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आपको चाहिए कि अच्छाई को समाज में फैलाइए, अच्छे लोगों को समाज का प्रतिनिधि बनाने के लिए आगे बढ़िए, काम करिए, थोड़ा सा अपना कंफर्ट है जो एकदम थोड़ा सा उसको हटा दीजिए, थोड़ा सा आलसपना दूर कीजिए, हल्का सा कुछ कुछ कदम बढ़ाइए, आंख उठा के दिमाग चला के देखिए समाज में हमारे बीच में कौन ऐसे अच्छे लोग हैं जो अच्छा करते हैं या कर सकते हैं, वाकई में उनके ऊपर रिस्क लीजिए ना। ऐसे लोगों पे रिस्क ले रहे हैं जिनका मालूम है, क्या जरूरी है कि किसी पार्टी वाले को ही हम वोट देंगे, क्यों जरूरी है कि हम इस पार्टी से खड़े होने वाले को, टिकट मिलने वाले को ही वोट देंगे, क्यों जरूरी है कि हम वोट देंगे वो जीते ही जीते, अगर वो हारने वाला भी है तो हम तो अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा दिखाए, क्या वोट बनेगा, कितने में कौन जीतेगा, छोड़िए ना जी, आप सही का साथ दीजिए, आज नहीं तो कल सही की जीत होगी, साथ देते रहिए, लगातार देते रहिए। भला होने का काम एक दिन में नहीं होता है, किसी अच्छे इंसान ने मुझसे कहा था कि जो बाघ होता है ना, बाघ बाघ एक दिन में नहीं बनता, आग होती ना आग, वो एक चिंगारी फट 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 पूरे जंगल को आग लगा देती है, पूरे जंगल को आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, और फट 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 बहती है, फट फट पूरी लकड़ी को, पेड़ को खा जाती है। लेकिन आप बताइए, आप फूल उगाने जाइए तो क्या बीज डाले वो रातों रात या 2 दिन में उग जाएगा, पूरा गार्डन बन जाएगा?
बन जाएगा क्या? नहीं बने हो।